अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। तेरे बेटे और तूने मिलके अपनी बहू और पोती को कहाँ लाके खड़ा कर दिया ज्ञानेश्वरी? अब क्या करेगी तू? साधारण सी प्रिंसिपल है तू, तेरी मामूली सी पगार आमू की मदद के लिए काफी नहीं होगी। I am ready. Yeah. तुम ready हो? मैं भी बिल्कुल बिल्कुल। Laces, laces बांध लो बस। अरे यार कितना time? अच्छा मैं लिफ्ट बुलाती हूँ, तब तक आ जा बाहर। अरे रुको ना, आ ही रहा हूँ यार मैं। आया। चलो, come on. रुक जाओ। क्या हुआ? नारी आई खड़ी है बाहर, पहले उन्हें निकलने दो फिर हम चलते हैं। आई खड़ी है? रुक जा। क्या हुआ? सरून अमृता का रोना लेके आई हूँ, लेकिन हमें क्या है, उन्होंने तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए ना, तो बस अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म। एक मिनट में देखता हूँ। परेशान है वो? तू रो रही है? ये आंसू दिखाकर पैसे लेने आई होगी, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आई है मेरी, मुझे बात करनी होगी, शायद मुझे वापस अपनाने आई होगी। ओह गॉड, ये जय भी ना अपनी आई को देखकर हर बार पिघल जाता है। ओके। भी, तुम बहुत भोले हो, वो जरूर अपनी पोती और अपनी बहू के लिए आई, उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी इंसल्ट की थी ना उन्होंने, तो फिर क्या, मुझे अभी भी अपना बेटा मानती है, मुझे चाहती है, तभी तो आई है मेरे पास ना वो। लिसन, मुझे लगता है ना कोई बहुत बड़ी बात, वरना वो यहाँ नहीं आती। मेरी आई है वो, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानती, किसी के सामने नहीं झुकती है वो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चली गई, आई से बात करने का एक मौका मिला था, गवा दिया मैंने, पर कुछ तो करना होगा, आई के नाराज की बर्दाश्त नहीं होती। चली गई ना? हा? अब हम चले? इशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। बोलो। तुम नाराज मत हो, मैं आई को कुछ देना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ लाया था, आई है मेरी, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। ये सोचा कि उसे दूंगा तो खुश हो जाएगी, मेरी बात सुनेगी, वो समझेंगी मुझे, मैं जानता हूँ ना आई है मेरी, और तुम भी तो ये चाहती हो ना कि भवानी की जगह वो तुम्हें अपनाए, एक कोशिश करते। लेकिन तुमने ये कब लिया? हम लोग लंच के लिए गए थे, तो बीच में उठ के गया था, तो वो ये था। रेस्टोरेंट में 20 मिनट तक मुझे अकेला छोड़कर तुम ये इयररिंग्स लेने गए थे, वो भी अपनी आई के लिए। इशिका, आई है मेरी वो, उससे मैं नाराज नहीं रह सकता, और मैं नहीं चाहूंगा कि वो ज्यादा समय तक मुझसे भी नाराज रहे, बिल्कुल नहीं, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, इसे मनाना बहुत जरूरी है, समझो ना, प्लीज प्लीज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके प्लीज। तो हेल, इतनी मुश्किल से उस अमृता और हर्ष को जयेश की जिंदगी से आउट किया था, पर उसकी आई भी आ गई हम दोनों के बीच, कुछ तो इलाज सोचना पड़ेगा उनका। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।